अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे और आप सब लोग हमारे लिए भी दुआ गो रहें। तो जनाब, आज हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एल्युमिनियम कॉइन्स पर। पाकिस्तान के एल्युमिनियम कॉइन्स की शुरुआत होती है एक पैसे से, जो बनाया गया था 1967 में और ये 1973 तक मिंट हुआ था। इसके बाद 1974 में एक पैसा FAO इशू हुआ। अब ये FAO क्या है, ये न्यू कलेक्टर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये FAO क्या है, क्योंकि उनके लिए एक नया लफ्ज़ होता है, नई इस्तिलाह होती है। दरअसल अक़वामे मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख़फ़्फ़ है FAO। इसकी बुनियाद कैनेडा में 1945 में रखी गई थी। इसका मकसद था ज़राअत, जंगलात और माहीगीरी के तरीकों को जदीद और बेहतर से बेहतर बनाना और पूरी दुनिया के लिए ग़िज़ाइयत को यकीनी बनाना। पाकिस्तान ने 1971 में पैटर्न कॉइन जारी किया था जो 5 पैसे का था। उसका नाम था मिंट स्पोर्ट। 1974 से 1981 तक 10 पैसा FAO पैदावार बढ़ाओ कॉइन मिंट हुआ। एल्युमिनियम कॉइन्स का लास्ट दौर 1981 से 1996 तक रहा। 1996 का ही सिक्का जो होता है वो सबसे मकबूल कॉइन पाया जाता है एल्युमिनियम कॉइन्स में। 1996 का 10 पैसा हो या 1996 का 5 पैसा, दोनों ही कॉइन्स लास्ट ईयर के होते हैं और अमूमन कॉइन्स के लास्ट ईयर का मिंट कम होता है। ये दूसरे कॉइन्स के मुकाबले में मकबूल हो जाते हैं और वजह, ज़्यादातर वजह इनके कम होने की ही होती है। इन कॉइन्स के ऊपर उर्दू में पैदावार बढ़ाओ लिखा हुआ है। FAO ने खुराक और ज़रई पैदावार को फौरी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था। इस वक्त दुनिया भर से सैकड़ों मुख्तलिफ सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों की तादाद इस वक्त 600 है। FAO सोने समेत मुख्तलिफ कम्पोजिशन और मुख्तलिफ अशकाल मुख्तलिफ साइज़ में मौजूद है। अगर आपके पास भी पाकिस्तान के एल्युमिनियम कॉइन्स मौजूद हैं तो प्लीज़ चेक करें और हमें भी कमेंट में आगाह करें कि वो कौन कौन के एयर के हैं जो आपके पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।